उत्तराखंड से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल न्यूज 18 इंडिया की वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक पर्यटन नगरी के रूप में अनूठी पहचान बना चुका लैंसडाउन पर्यटकों की पसंद बनता जा रहा है, लेकिन यहां के लोगों की बात की जाए तो असल आबादी साल दर साल घटती जा रही है। खबर के मुताबिक यहां पर्यटकों की संख्या तो अच्छी बनी हुई है, लेकिन यहां की लोकल आबादी लगातार घट रही है। बड़ी संख्या में लैंसडाउन के लोग कोटद्वार और आसपास के दूसरे इलाकों में शिफ्ट होते जा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक एक अनुमान के हिसाब से पिछले 20 सालों में लैंसडाउन की आबादी 50% से भी ज्यादा घट चुकी है। दरअसल इसके पीछे की मुख्य वजह है लैंसडाउन का कैंट एरिया। नगर का मेन एरिया कैंट क्षेत्र में आता है, जहां आज भी कैंट के सख्त कानून लागू होते हैं। साथ ही सुविधाओं के नाम पर लैंसडाउन में ना अच्छा अस्पताल है और ना ही पढ़ाई की कोई बेहतर व्यवस्था। स्थानीय निवासी अनुज खंडेलवाल भी कहते हैं कि बुनियादी सुविधाओं के लिए लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। वहीं न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते हुए लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत ने बताया कि कैंट एरिया के चलते इलाके का विकास नहीं हो पाया और नगर के आम लोग परेशान हैं। हालांकि रावत ने कहा कि इस मामले में रक्षा मंत्रालय से बात की जा रही है, ताकि इस क्षेत्र की आबादी के पलायन को रोकने के लिए यहां समुचित विकास कार्य किए जा सकें। आपको बता दें कि लैंसडाउन नगर गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय होने के साथ ही उत्तराखंड में सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान रखता है। इसके साथ ही गर्मियों के मौसम में ये पर्यटकों की पसंद का हिल स्टेशन भी रहा है। इस सीजन में भी यहां और आसपास के तमाम होटल और रिजॉर्ट आदि की बुकिंग फुल चल रही है और देश भर के राज्यों से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।